जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इसराइल हमास के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिले इंटेलिजेंस इनपुट्स के चलते दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट करी लेट नाइट पेट्रोलिंग। डिफेंस फोर्सेस के सेंसिटिव डेटा के लीक होने वाले मामलों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए दिए निर्देश। फिलीपींस मरीन के बाद अब फिलीपींस आर्मी भी खरीदेगी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स। हमास ने इसराइल में लॉन्च करा अभी तक का सबसे लॉन्ग रेंज का रॉकेट अय्याश 250 और लेजेंडरी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर पर बनी बायोपिक। बारह अक्टूबर से तेजपुर में दो दिन की एनुअल ईस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से ऑल टाइम हाई ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को मेंटेन करने वाले इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है और इसी के तहत सभी प्लेटफॉर्म्स, वेपन सिस्टम्स और एसेट्स, इन सभी के ऑपरेशन रेडीनेस को सुनिश्चित किया जाए। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स चीफ ने सभी तरह के एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स के रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत पर भी जोर दिया है ताकि मिशन इफेक्टिवनेस को बढ़ावा मिल सके। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि नॉर्थ सिक्किम से इंडियन एयरफोर्स अभी तक 461 टूरिस्ट को सेफली इवैक्यूएट कर चुकी है और अभी भी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये जारी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि हाल ही के समय में डिफेंस फोर्सेस के सेंसिटिव डेटा के लीक होने वाले इंसिडेंट्स को देखते हुए अब भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिफेंस फोर्सेस के सभी पर्सनल को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि वे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इनको सही से फॉलो ना करने पर कानून के तहत भारी पेनल्टीज का सामना भी करना पड़ सकता है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे जुड़ा एक लेटर सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिफेंस प्रोडक्शन, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, फाइनेंस और DRDO, ये सभी डिपार्टमेंट शामिल हैं। कल देर रात जामा मस्जिद वाले क्षेत्र के पास दिल्ली पुलिस ने एक लेट नाइट पेट्रोलिंग को कंडक्ट किया था और दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि ये जो पेट्रोलिंग है ये हमास के खिलाफ गाजा में इसराइल के ऑफेंसिव के चलते कुछ खास इनपुट्स मिलने के बाद यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। और जबकि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ सिक्योरिटी अलर्ट को जारी किया है और इस अलर्ट के बाद से दिल्ली में इसराइली नेशनल्स की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है। बाकी इसके अलावा आज 13 अक्टूबर को रानीखेत में स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित की गई कलर प्रेजेंटेशन परेड के दौरान इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नागर रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेस्टिजियस प्रेजिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। और वैसे अगर आपको इंडियन आर्मी की नागर रेजिमेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले बनाई थी, आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आपको इस बारे में भी जानकारी दे दें कि ये जो प्रेजिडेंट्स कलर अवार्ड होता है तो ये भारत में किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इसे निशान भी कहते हैं। अभी हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख की तरफ से बताया गया कि फिलीपींस मरीन्स भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डिलीवरी को लेने के लिए तैयार है और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज ली जाएंगी। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी है कि फिलीपींस मरीन कोर के अलावा फिलीपींस की आर्मी के लिए भी भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को खरीदने की योजना है। हालांकि फिलीपींस आर्मी के लिए ब्रह्मोस की कितनी बैटरीज ली जानी है तो उनके नंबर्स को तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि इनकी संख्या फिलीपींस मरीन कोर द्वारा ली गई ब्रह्मोस से ज्यादा होंगी। और ब्रह्मोस मिसाइल की हर एक बैटरी में ट्रैकिंग सिस्टम और 2 से 3 मिसाइल ट्यूब्स के साथ 3 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स रहेंगे। और फिलीपींस आर्मी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स को खरीदने वाला जो प्रस्ताव है वो अप्रूव हो चुका है और उसकी फंडिंग भी आ चुकी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मार्च 2024 तक भारत और बांग्लादेश के 4000 किलोमीटर के बॉर्डर के साथ फेंसिंग और रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो जाएगा। और जबकि पाकिस्तान और म्यांमार के साथ लगी सीमाओं पर फेंसिंग का जो कार्य है तो वो भी अपनी फाइनल स्टेज में चल रहा है। बाकी आज चीन से भी एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है जहां बीजिंग में इजरायली दूतावास के कर्मचारी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था और इस हमले में इजरायली दूतावास का कर्मचारी काफी घायल भी हुआ है जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और अच्छी बात यह कि अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उस इजरायली कर्मचारी की स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। बाकी हमला क्यों किया गया तो उसकी जाँच की जा रही है, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स में इस हमले को इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और वैसे चीन से याद आया, आप CKMKB वाले कूपन कोड का इस्तेमाल करके हमारी एस्पिरेंट फ्रंटलाइन ई मैगजीन को मात्र 21 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी ये ई मैगजीन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट shop.defensecorps.in पर उपलब्ध है। और इस ई मैगजीन की खास बात यह है कि एक तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, दूसरा ये कि इसमें केवल करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है और वो भी बेहद ही प्रिसाइज तरीके से। बाकी वन लाइनर्स, क्विज, तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से इसमें आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यकीन मानिए कि अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ये ई मैगजीन आपकी पहली चॉइस बन सकती है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज शुक्रवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि इसराइल का लक्ष्य है आतंकी समूह हमास से उसकी सभी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को छीनना और इसलिए इसराइल गाजा में सिग्निफिकेंट फोर्स के साथ ऑपरेट करना जारी रखेगा।
लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस बात को भी ऐड किया कि उनका एम सिविलियंस के डैमेज को भी कम से कम रखना है। उनका यह भी कहना था कि हमास के आतंकी गाजा सिटी में टनल्स, घरों के नीचे या फिर आबादी वाले क्षेत्रों में बिल्डिंग्स के अंदर छिपे हुए हैं, और इसलिए इसराइल ने गाजा में सभी सिविलियंस के लिए एक वार्निंग भी जारी करी थी कि वे अपनी सेफ्टी के लिए साउथ वाले रीजन की तरफ जाएं और हमास के आतंकियों से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दूरी बनाएं, क्योंकि वो आपको ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और जबकि इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि गाजा में जो भी अपनी लाइफ को बचाना चाहता है तो वे जगह को खाली करने वाले इसराइली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और साउथ की तरफ जाएं। जबकि यूएन एजेंसी के मुताबिक जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक गाजा में करीब 447 बच्चों की जान भी जा चुकी है। और जब इसराइल ने गाजा के नॉर्थ में रहने वाले सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे तो उसके बाद से यूएन ने विनाशकारी मानवीय परिणामों की भी चेतावनी दी थी। और जबकि नॉर्दर्न गाजा में हमास वहां पर रहने वाले लोगों को यह कह रहा है कि वे जगह को खाली करने वाले इसराइल के ऑर्डर्स को इग्नोर करें। और जबकि इसराइल के रक्षा मंत्री हमास के हमले के पीछे ईरान पर आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ ईरान के निर्देशों पर हुआ है, उन्होंने ही परमिशन दी है, पैसा, आइडियाज, ये सारी चीज़ें ईरान के द्वारा ही सप्लाई किए जा रहे हैं। और जबकि आज हमास ने नॉर्दर्न इसराइल को टारगेट करते हुए अभी तक के सबसे लॉन्ग रेंज के रॉकेट को फायर किया है, और इस रॉकेट का नाम है अय्याश 250, जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर्स, और एक गाजा स्ट्रिप से इसराइल में फायर की गई अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का रॉकेट है। लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि हमास के इस लॉन्ग रेंज रॉकेट को इसराइल के डेविड स्लिंग नाम के मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। और जबकि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिका इसराइल की फोर्सेस की मदद के लिए अपना सपोर्ट और सप्लाई कंटिन्यू रखेगा, और जबकि इसराइल में यूएस ट्रूप्स भेजने वाली संभावना से भी इनकार नहीं किया गया। भारत के वन ऑफ द बेस्ट आर्मी चीफ, ग्रेट वॉरियर, ग्रेट लीडर, लेजेंडरी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो भारत के इस ग्रेट वॉरियर के जीवन पर आधारित एक बायोपिक जिसका नाम रखा गया है सैम बहादुर, तो इसके ऑफिशियल टीजर को आज रिलीज किया गया है, और ये टीजर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा है, और इसलिए इस अपकमिंग सैम बहादुर मूवी से हर किसी की उम्मीद काफी बढ़ चुकी है। और जो मूवी है ये 1 दिसंबर को रिलीज होनी है, और आज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि इस टीजर को देख के आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, और साथ में ये भी जरूर बताना कि इस मूवी में आप 1971 वाले वॉर के कौन से वाले हिस्से को खास करके देखना चाहेंगे। वैसे तो मैं पता है कि आपको क्या देखना है, पर फिर भी लिख तो देना ही। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है कि आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने समय पर एक आईईडी को रिकवर करके एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल दिया है, और ये आईईडी सड़क के किनारे से मिला था और जिसे बाद में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया गया। बाकी इसके अलावा इंडियन नेवी की नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 316 ने 2 वर्षों से भी कम समय में 5,000 घंटे से भी अधिक की ऑपरेशनल फ्लाइंग्स को कम्प्लीट किया है, और ये जो स्क्वाड्रन है इसे PHI एयरक्राफ्ट के साथ 29 मार्च 2022 में कमीशन किया गया था। और इंडियन नेवी की INAS 316 और INAS 312 जो PHI एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, तो ये केवल इंडियन ओशन या उसके बियॉन्ड ही नहीं बल्कि हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ भी सर्विलियंस पर्पस में इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रबल सिंह बावा और मेजर एनजॉय दत्ता सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रबल सिंह बावा को मरणोपरांत महावीर चक्र से और मेजर एनजॉय दत्ता सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 316 का निक नेम क्या है। समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको तलाश है डेडिकेटेड डिफेंस मैगजीन की तो फिर आप हमारे डिफेंस 360 रिवाइंड ई मैगजीन को कंसीडर जरूर करिएगा, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। लेकिन अगर आप उसे मोबाइल एप्लीकेशन से खरीदते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगी। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।